गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो लास्ट क्लास में आप लोग को होम असाइनमेंट दिया गया था इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 1 है, तो डेफिनेटली आप लोग को कुछ डाउट्स रहा होगा ना। सो कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू विथ आवर थ्योरी पार्ट। किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके देखिए, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फैमिली ऑफ कॉनकरेंट लाइंस। ठीक है, कॉनकरेंट लाइंस की फैमिली बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन भी रहेगा, और अगर डिस्कशन नहीं हो पाया तो थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं आप लोग, ये एक और क्लास इसीलिए दिया गया कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। ओके तो देखिए, फैमिली ऑफ कॉनकरेंट लाइंस, कॉनकरेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि अगर थ्री लाइंस और मोर लाइंस एक ही पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे लाइंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉनकरेंट लाइंस कर रहे हैं। और वो कॉमन पॉइंट के नंबर एक ही होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन हो जाए, उस केस में कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, कॉनकरेंट नहीं बोलते हैं। तो यहां पे क्या है कि मेरे पास कॉनकरेंट सिस्टम का, मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर। वेरी गुड, वॉइस ब्रेक हो रहा है ना, एक मिनट रुक जाओ, देखता हूं मैं मोबाइल से कनेक्ट करके। अभी तक नहीं है। हाँ, अभी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या कृष्णा? वेरी गुड, आइए देखिए। तो हमने क्या लिया है यहाँ पे, L1 और L2 दो अपने पास लाइंस है इस कंकरेंट सिस्टम के, कंकरेंट सिस्टम से दो डिस्टिंक्ट लाइन हमने उठा लिए हैं। तो ये जो L3 लाइन है वो कोई थर्ड लाइन है उसी सिस्टम का, मतलब अल्फा कॉमा बीटा से क्रॉस करने वाली ये थर्ड लाइन है, अल्फा कॉमा बीटा विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि L3 इज अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, है ना। तो L3 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, किस तरीके से L3 का इक्वेशन हम लोग को ट्राई करना चाहिए, उसका जनरल फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सो रिमेंबर, L3 एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, टेकन इक्वल टू L1 प्लस सम पैरामीटर लैम्डा L2। ठीक है, L3 कैसा लेना हम लोग को, L1 प्लस लैम्डा L2 लेना है, बराबर। अब ये लैम्डा कैसे हमको पता चलेगा, तो जैसे आप स्लोप वगैरह लेते हो ना कि स्लोप अननोन है, वैसे यहाँ पे लैम्डा अननोन है,
फॉर सम लैम्डा आपको एल थ्री का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको एल थ्री के बारे में और डेटा चाहिए। जैसे क्वेश्चन ये है कि L1 अगर मेरा 3x minus 4y plus 6 है, L2 मेरा x plus y plus 2 equal to 0 है, तो equation of line which is concurrent with above two lines and having slope इक्वल टू वन, तो वो लाइन कौन सी होगी, वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो L1 और L2 के साथ कंकरेंट है और उसका स्लोप वन है। देखिए नाइदर ऑफ द लाइन है स्लोप वन, लेकिन हम लोग को वो लाइन फाइंड करना है जो इन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है और स्लोप आपका वन है। सो देखिए L3 हम कैसे सपोज करके चलेंगे, सो L3 लाइन थ्री या डिजायर्ड लाइन इक्वेशन को हम 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 सपोज कर सकते हैं। इसको जनरल फॉर्मेट में आप लिखिए 3 प्लस लैम्डा x y माइनस 4 प्लस लैम्डा एंड प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा। वैसे ये जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, इस लाइन की स्लोप कितनी करनी है, 1 के इक्वल करनी है। सो हम बोलेंगे कि इसका स्लोप कितना है, माइनस 3 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस लैम्डा इसका स्लोप है, और ये स्लोप कितने के बराबर है, 1 के इक्वल है। सो वी हैव टू सॉल्व फॉर लैम्डा, तो यहां पे हो गया माइनस 3 और माइनस लैम्डा और ये हो गया माइनस 4 प्लस लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू हमारी आ रही है 1/2। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 मिल रही है। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, आई कैन पुट लैम्डा बैक इनटू द इक्वेशन थर्ड। सो डिजायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं कैलकुलेट करने के बाद, x प्लस वाई और प्लस 2, यही मेरा डिजायर्ड इक्वेशन है, इज द इक्वेशन टू डिजायर्ड लाइन। बराबर, तो यहां पे आप देखिए सिंप्लीफाई करोगे तो आपको स्लोप ना दिखाई पड़ जाएगा। देखो ये 6x और x है, तो ये हो गया आपका 7x और यहाँ पे माइनस 8y हो गया और 12 प्लस 2 14 हो गया, माइनस 7y ओवरऑल इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करने पे काफी सिंपल सा दिखाई पड़ रहा है, x माइनस y और प्लस 2 दिखाई पड़ रहा है इक्वल टू 0। बात समझे, तो यहाँ पे हम लोग को फायदा क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिना जाने हम लोग फाइंड कर लिए, हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो यही मेरा यहाँ पे बेनिफिट हो गया कि हम जो है L1 plus lambda L2 सपोज करके चल रहे हैं, तो वहां पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे कर सकते हैं, अगर किसी ट्रायंगल में ए से गुजरने वाली
साइड लेंथ हमें इक्वेशन वाइज पता है, मान लेते हैं कि x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो है, 2x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है, ठीक है, और BC पर एक पॉइंट जो है, जब BC पर पॉइंट नहीं, मैं डायरेक्ट इक्वेशन दे रहा हूं आपको, ये है आपका 7x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो रैंडम, ठीक है। सो यहां पे हमें फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू ए, थ्रू ए, फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू ए इन ट्रायंगल एबीसी। तो देखिए, ए से पास करने वाला अपने पास क्या है, दो लाइन गिवन है, सो थर्ड जो अल्टीट्यूड होगा वो कंकरेंट होगा, अगर एडी की इक्वेशन में फाइंड कर रहा हूं तो ये कंकरेंट हो जाएगा, है ना। सो इक्वेशन ऑफ एडी जो कि अल्टीट्यूड है, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड कैन बी टेकन एज 2x माइनस वाई माइनस थ्री प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो लेमडा कहां से फाइंड करें, किस तरीके से हम लोग को लेमडा फाइंड करना होगा। सो लेमडा फाइंड करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि BC जो लाइन है और AD जो लाइन है वो क्या आपस में परपेंडिकुलर है, BC इज परपेंडिकुलर टू AD, इसका मतलब स्लोप ऑफ BC और AD जो होगा वो एक दूसरे के प्रोडक्ट में निगेटिव बनाएंगे। है ना, एक दूसरे के प्रोडक्ट में स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख लो, एक ही चीज मिसिंग है, शायद लैम्डा ही मिसिंग है, बाकी सब नोन है। स्लोप ऑफ बीसी कितना है, 7 के इक्वल है, और स्लोप ऑफ एडी, एडी को हम लोग लैम्डा के टर्म में लिखेंगे। सो निगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज 2 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में वाई का कोएफिशिएंट आ जाएगा माइनस 1 प्लस लेमडा, मस्ट बी इक्वल टू माइनस वन, और ये माइनस वन से माइनस वन गया, 14 प्लस 7 लेमडा इक्वल टू माइनस वन प्लस लेमडा। सो लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा, 6 लेमडा इक्वल टू माइनस 15, मतलब माइनस 5/2, एम आई राइट। सो पुट लेमडा इक्वल टू माइनस 5/2 इन द इक्वेशन, so we are getting desired क्या है, altitude, altitude का equation हो जाएगा 2 multiply करेंगे इसमें minus 5 multiply करेंगे, तो ये हो जाएगा minus x, इसमें 2 multiply करें minus 5, तो ये हो गया minus 6y minus 7y, और यहां पे आप 2 मल्टीप्लाई करो और इसमें आप माइनस 5, तो ये हो गया 10, और माइनस 6 ये हो गया प्लस 4 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए क्या है कि कई बार आपसे उल्टा सवाल पूछा जा सकता है, बोलेगा प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा x प्लस
टू साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा ले लेते हैं, वाई प्लस थ्री साइन थीटा माइनस फोर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो. प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक्स और ये साइन थीटा फोर, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट. क्या मैं बोल रहा हूं कि ये जो लाइन है ये हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है. ये जो लाइन है ये हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, ठीक है. तो तब हम लोग को बताना है, मतलब प्रूफ करना है, ऐसा प्रूफ करना है. तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को हम दिखा देंगे कि ये सम पर्टिकुलर लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स सम अदर पर्टिकुलर लाइन इक्वल टू जीरो फॉर्मेट का है. अगर ये फॉर्मेट पे हम इसको दिखा दिए तो मेरा काम हो गया. यही फॉर्मेट पे लाना है क्योंकि यही ना कंकरेंट सिस्टम है. ये बोल रहा कि हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है. लगता है नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है तो कई लोगों को वॉइस ब्रेक होती हुई पता चल रही है. किसी को वॉइस क्लियर भी आ रही है? इसका मतलब मेरा नेटवर्क वीक है. यहाँ पे अभी फॉगी वेदर है ना, फॉगी वेदर कंडीशन में इसी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. या हो सकता है आपकी तरफ भी वेदर क्लाइमेट अच्छा नहीं है. कुछ लोगों को देखो सही वॉइस आ रही है तो देखते हैं, है ना. जिनको वॉइस ब्रेक कर रही है वो वीडियो भी देख लेंगे. तो हम लोग को क्या करना है, ये लाइन थीटा अगर मैं चेंज करूंगा तो डिफरेंट इक्वेशन प्रोड्यूस करेगा. समझिए बात को. फॉर डिफरेंट थीटा वैल्यू वी विल हैव डिफरेंट इक्वेशन. इसका मतलब डिफरेंट लाइन मिलेगा हम लोग को, लेकिन वो हर एक लाइन ना एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है, कुछ इस तरह का सिस्टम बना रही है. ऐसा हमें प्रूफ करना है. तो हम क्या बताएं कि हम लोग को L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट पे इसको शो कर देना है, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस तरीके से अप्रोच लेंगे. साइन थीटा कॉमन कर लीजिए और देखिए क्या मिल रहा. एक्स प्लस टू वाई और कांस्टेंट वाला पार्ट आपका थ्री आ रहा है. कॉस थीटा कॉमन कर लीजिए, यहां पे क्या गया माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस फोर इक्वल टू जीरो. लिख सकता हूं ना मैं गिवन इक्वेशन को. अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर साइन थीटा जीरो नहीं है तो हम साइन थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, अगर कॉस थीटा जीरो नहीं है तो हम कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं. तो वैसे केस में हम लोग लाइन के इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो. और अब देखो ये लैम्डा का काम कर रहा, राइट. यही क्या है, लैम्डा का काम कर रहा.
तो हम ये शो कर दिए हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट लाइन है वो L1 प्लस लेमडा L2 फॉर्म का है, तो जब भी लाइन L1 प्लस लेमडा L2 फॉर्म का रहेगा तो उस समय वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है। स्टेटमेंट ऐसा भी दिया जा सकता है कि ये जो लाइन है वो कंकरेंट सिस्टम को डिनोट कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड व्हाट विल बी द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट कहां से मिलेगा? तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को वो फिक्स्ड पॉइंट भी मिल जाएगा, बराबर। तो अगर हम फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम उसको फाइंड कर ही लेते हैं कि यहां पे फिक्स्ड पॉइंट क्या है। हियर फिक्स्ड पॉइंट इज, अगर दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने से आपका 3y = -1, मतलब 1/3। सो y का वैल्यू 1/3 आ रहा है और करस्पॉन्डिंग वैल्यू x का जो आ रहा है 2/3, 3 11/3 माइनस। तो लैम्डा जो है बेटा वो पैरामीटर है। देखो ऊपर के एग्जाम्पल से अगर नीचे के एग्जाम्पल में हम आए तो यहां पे आप थ्योरी पार्ट को भी देखो क्या कह रहा है कि एनी अदर लाइन देन L1 एंड L2 विल हैव इक्वेशन ऑफ द फॉर्म L1 प्लस लैम्डा L2, मतलब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन। यहां पे क्या है कि उसका इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 टाइप का ही होगा जब भी होगा। मतलब L1 में आप कुछ लैम्डा जोड़ रहे हो, कुछ L2 जोड़ रहे हो, है ना, L2 का कुछ पार्ट जोड़ रहे हो, कुछ इस तरीके समझना है। तो यहाँ पे L3 जो भी इक्वेशन मिलेगा वो अल्फा कॉमा बीटा से ही पास करेगा इस फॉर्मेट का। इसका सेकेंड फॉर्मेट क्या है? इसका सेकेंड फॉर्मेट आप ऐसे भी लिख सकते हो कि L3 कैन बी रिटेन एज म्यू टाइम्स L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2, जहां पे म्यू और लेमडा क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। यहां पे आपका लेमडा क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। फॉर डिफरेंट लेमडा सबसे पहले ये श्योर करिए कि अब क्या डिफरेंट लेमडा के लिए डिफरेंट L3 मिलेगा। इज इट क्लियर निखिल कि डिफरेंट लैम्डा वैल्यू के लिए L3 का फॉर्म डिफरेंट होगा डिफरेंट L3 में, यस सर। है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि हमारा लैम्डा जो है ना वो इंटीजर है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि फॉर सम रियल नंबर है, कुछ रियल नंबर है लैम्डा और वो फाइंड करना होगा हम लोग को, क्योंकि हम इनिशियल तो फॉर्मेट बता देंगे कि डिजायर्ड लाइन मेरा किस फॉर्मेट का होगा, L1 प्लस लैम्डा L2 का होगा, है ना। तो ये चीज लिखने से ये क्लियर हो जाता है कि मेरा डिजायर्ड लाइन जो है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये अनक्लियर होता है कि उसके अलावा और उसके पास क्या प्रॉपर्टी है। क्या लाइन में एक डेटा देने से लाइन का इक्वेशन डिटरमाइन होगा? नहीं ना। अगर मैं आपको बोल दूं कि लाइन अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रही है तो क्या आप इक्वेशन बता पाओगे? क्या आप यूनिक नो लाइन सर। बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। सो यूनिकनेस लाने के लिए हम लोग को एक और कंडीशन लाइन का देना जरूरी है, ठीक है। और वहीं से हम लोग को लैम्डा का वैल्यू मिलता है और हर एक लैम्डा वैल्यू के लिए यूनिक लाइन प्रोड्यूस होता है। आर यू गेटिंग नाउ? यस सर, गॉट इट। वेरी गुड। यस सर, गॉट इट। तो ये जो अभी लास्ट वाला एग्जांपल जो है ना, इसमें आपको ऊपर वाला फॉर्म जो सेकंड फॉर्मेट मैंने म्यू और लैम्डा बताया ना, उस फॉर्मेट पर लिखा गया। अब देखो कई बार एक तरह का और सवाल मैं करवा ही देता हूं, क्योंकि उसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है फर्स्ट टाइम देखने पर। इफ 5a + 2b प्लस सी इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0
ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ये हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बी सी सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, दो मिनट। किसी बच्चे से हुआ?
देखिए हमारे पास सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -5a और -2b। तो हम ऐसा करते हैं कि अपने लाइन में सी का वैल्यू पुट कर देते हैं, -5a और -2b। अब मेरे पास 3 पैरामीटर से 2 पैरामीटर आ गया। अब मैं पैरामीटर को कॉमन कर लूंगा तो x-5 हो गया और b y-2 हो गया। अब देखो a से डिवाइड कर दोगे तो x-5 + b अपॉन a को क्या लिखना है, लेमडा लिखना है ना, ये L1 हो गया। सो x-5 = 0 आपका L1 हो गया, और L2 क्या हो गया, y-2 = 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, -5, 2। वेरी। तो ये पता चल गया ना कि ये L1 + λ L2 फॉर्म का है, तो इसका मतलब ये फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है ना, ये फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, और वो फिक्स पॉइंट क्या है, 5, 2। ये आपका फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें कॉन्करेंट सिस्टम का डिस्कशन करते हैं। इसमें एक और पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस का एक कंडीशन तो आप देख चुके हैं, दूसरी कंडीशन हम लोग ध्यान रखेंगे। इफ a1x+ b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, a3x + b3y + c3 = 0, R3 डिस्टिंक्ट कंकरेंट लाइन। थ्री डिस्टिंक्ट लाइंस कंकरेंट, देन ये कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 3 लाइन कॉन्करेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फाइंड के, सो दैट x+2y-3 = 0, x+y-6 = 0, एंड k(x-k-1) y+1 = 0 आर कंकरेंट। तो अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है ना, तो हम लोग को क्या फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट हम लोग फॉर्म करेंगे 1, 2, -3, 1, 1,
माइनस सिक्स के माइनस के प्लस वन, तो हम लोग वन माइनस के लिख सकते हैं और ये वन हो गया। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये डिटरमिनेंट इवेल्युएट करने का जो तरीका है, ठीक है, वो तरीका ये है। आप लोग डिटरमिनेंट सीखे हो थ्री ऑर्डर का? नहीं सीखे हो, है ना? तो मैं सिर्फ इवेल्युएट कर देता हूं ताकि आप लोग कुछ काम कर पाओ। ये जो वन है, यहां पर का जो एलिमेंट है, इसमें आपको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, वन इंटू वन इंटू वन। देखिए, वन इंटू मैं वन लिख रहा हूं, माइनस वन माइनस के इंटू माइनस सिक्स। जिस ऑर्डर में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसी ऑर्डर में आप लिखेंगे। फिर लिखना है माइनस टू। यहाँ पे देखो प्लस टू, देखो आया है टू, लेकिन आपको क्या लगा देना है, एक माइनस लगा देना है यहाँ पर, इनटू ब्रैकेट में वन के साथ, इस वन के साथ ये वन, वन इंटू वन माइनस के इंटू माइनस सिक्स और प्लस। देखो यहाँ पे प्लस मैं लिख रहा हूं, बट ये है माइनस थ्री, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूं। मतलब जो डेटा है वो ले लेना है और प्लस माइनस में अपने फॉर्मूला से लगा रहा हूं, और ये हो जाएगा आपका वन माइनस के टाइम्स वन माइनस के इंटू वन। सो अब इवेल्युएट करना शुरू कर ले, इक्वल टू जीरो कर दे, ये इवेल्युएट कर सकते हैं हम लोग। सो पहला वाला क्या हो गया मेरा, माइनस 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 सिक्स के, है ना, माइनस में, और यहाँ पे वन और ये प्लस सिक्स, ये हो गया सेवन। सो सेवन माइनस सिक्स के, और ये माइनस टू है, यहाँ पे इवेल्युएट कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया बेसिकली आपका प्लस में कितना लिखेंगे, ट्वेल्व के लिखेंगे, तो सब तो माइनस ही हो रहा है, तो ऐसा लिखो माइनस 12k और यहाँ पे आपका आ गया माइनस टू, और यहाँ पे आप देखो क्या मिल रहा है आपको, माइनस के और माइनस के, तो माइनस थ्री और प्लस 6k मिल रहा है, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे 6k से 6k कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे हम लोग अब देख रहे हैं कितना मिल रहा है, सेवन माइनस फाइव विच इज इक्वल टू टू, इक्वल टू 12k। हेंस के का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो आप यहां पे ये नहीं सोचिए कि आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंशन, बिल्कुल वो भी काम कर सकते हो सर्विस, कि आप दोनों लाइन को सॉल्व कर लीजिए, है ना, और थर्ड में सेटिस्फाई कर दीजिए। लेकिन व्हाट विल यू डू if two of the equation or even three of the all of the equations have every constant unknown, agar aapka yahan par x y aur ye aapka constant wala term mein bhi k vagera aa jata, to fir aap kisko solve karte aur kisko nahi solve karte, hai na? To ye problem hai, to isliye hum log is format ko bhi yaad rakhenge, hum log ko isse bhagne ki zarurat nahi hai। एक बार आप डिटरमिनेंट वगैरह जो है समझ जाओगे, है ना, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। सो इसको आप पहले तो अपने मेथड से समझ लो कि इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, और ये डिटरमिनेंट एक्सपेंशन आप मॉड्यूल वगैरह से देख लो, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं डिटरमिनेंट एक्सपेंशन तुम्हें समझाऊं, अगर नेक्स्ट क्लास में मेरे पास टाइम मिल जाएगा तो मैं आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंशन जो है करके दिखा दूंगा, ठीक है। सो हम लोग बस ये समझेंगे कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इज इट क्लियर? यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट जो मेरा सब टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ पॉइंट
पोजिशन ऑफ टू पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन के रेस्पेक्ट में पोजिशन ऑफ पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहली बात, इसलिए बहुत ज्यादा इस टॉपिक को हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। मैं जितना बता दूंगा उतनी बातें आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखना, मतलब ये एक टूल जैसा है। तो कहता क्या है कि आपके पास एक लाइन है, देखो मैं ऐसे तो ड्रॉ कर चुका हूं कि एक जो लाइन होती है ना वो प्लेन को दो सेक्शन में डिवाइड कर देती है। ये आपका रीजन नंबर वन हो गया और ये आपका रीजन नंबर टू हो गया, किस लाइन के हिसाब से, ये गिवन ब्लू लाइन के हिसाब से, ठीक है। सेकंड केस में हम देख रहे हैं कि दूसरी एक लाइन ली हुई है, तो कोई भी लाइन होगी इसके लिए भी रीजन होगा, इसके लिए देखो एक रीजन यहाँ है दूसरा यहाँ पर है। मैं अपवर्ड डाउनवर्ड रीजन या लेफ्टवर्ड राइटवर्ड डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट दो रीजन की बात कर रहा हूं, क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपका दोनों पॉइंट सेम रीजन में लाई करता है, अगर आपका दोनों पॉइंट सेम रीजन में लाई करता है, तो आपका एल एक्स वन वाई वन टाइम्स एल एक्स टू वाई टू की वैल्यू, ये जो प्रोडक्ट मिल रही है इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और अगर पॉइंट आपका दोनों अलग अलग रीजन में लाई कर रहा है तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। लेकिन ये हम एल एक्स कॉमा वाई किसको कह रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को कह रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम एल एक्स वन कॉमा वाई वन की बात कर रहे हैं तो वी सब्स्टिट्यूट द पॉइंट इन द वेरिएबल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एल एक्स वन कॉमा वाई वन का मतलब है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। अगर एल एक्स टू कॉमा वाई टू की बात हम करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन में सब्स्टिट्यूट करना है, ये ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर एक वैल्यू बनता है, वन टू थ्री कुछ करके बनेगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों वैल्यू की प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों पॉइंट सेम साइड हो जाएंगे। अगर ये दोनों वैल्यू की प्रोडक्ट निगेटिव आती है तो दोनों पॉइंट आपके अपोजिट साइड भी आ जाते हैं। ये इफ एंड ओनली इफ जैसा भी है, ठीक है। सो मैं ऐसा कर देता हूं, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल लगा ही देता हूं। मतलब अगर हमें प्रोडक्ट पहले से पता है तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि अपोजिट रीजन में है या सेम रीजन में। अगर हमें ये पता है कि अपोजिट रीजन या सेम रीजन में है तो हम प्रोडक्ट के बारे में क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लाइन दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो और मेरे पास पॉइंट नंबर वन दिया हुआ है 0.1, पॉइंट नंबर टू दिया हुआ है 3.4, पॉइंट नंबर थ्री दिया हुआ है -10.1/2, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हमसे कि विच ऑफ द पॉइंट्स लाई इन द रीजन इन विच ओरिजिन लाइज। ठीक है, इनमें से कौन से पॉइंट है जो ओरिजिन के साइड में है, इनमें से कौन से पॉइंट है जो ओरिजिन के साइड में है, लाई करते हैं। तो हम डायग्राम से इस केस में तो पता कर सकते हैं, लेकिन हर एक केस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से ये टैक्टिक्स बताया गया। और इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है। तो देखिए, अगर हम ये लाइन की प्लॉटिंग कर रहे हैं तो इसका स्लोप -1 है और इंटरसेप्ट दोनों 6 के बराबर है,
तो ये आपका 6.0 पॉइंट है, ये आपका 0.6 पॉइंट है और ये आपका ओरिजिन है। तो हमसे पूछा जा रहा कि ओरिजिन के साइड में कौन कौन सा पॉइंट है, तो ऐसे केस में देखो एक पॉइंट का रेफरेंस हमें बता दिया है ना, रेफरेंस देना जरूरी है ठीक है। अगर विदाउट रेफरेंस पूछा जाएगा तो हम सिर्फ ये जवाब दे पाएंगे कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऊपर है या नीचे है, एब्सोल्यूट पोजीशन में बात करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज रेफरेंस में हम लोग काम कर सकते हैं कि ओरिजिन के साइड में कौन कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम ओरिजिन वाला वैल्यू चेक कर लेंगे। जब ओरिजिन हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वैल्यू कितना मिल रहा है, -6 मिल रहा है ठीक है। तो अगर हम पॉइंट नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, LP1 की बात हम करेंगे और LP1 में क्या क्या पॉइंट आ रहा है, तुम्हारा 0.1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, -5 मिल रही है। तो आप चेक कर सकते हो कि ओरिजिन पर जो वैल्यू मिल रही है और P1 पॉइंट पर जो वैल्यू मिल रही है, बेसिकली LO और LP1 का वैल्यू क्या है, आइडेंटिकल टाइप है, मतलब दोनों निगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो मैं यहां से क्लेम कर सकता हूं कि P1 lies on the same side with origin, on the same region or side as origin, ऐसा मैं क्लेम कर सकता हूं। अगर मैं LP2 की बात करूं, तो LP2 में 3.4 रखना है और इसका वैल्यू कितना आ रहा, 3+4-6=1 आ रहा, विच इज पॉजिटिव। ओरिजिन क्या है, निगेटिव, ये पॉजिटिव है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा मिल जाएगा, निगेटिव मिल जाएगा। तो वी विल क्लेम दैट P2 अपोजिट साइड में है ना, P2 क्या है, अपोजिट साइड दैट ऑफ ओरिजिन है, दैट ऑफ ओरिजिन है। इसी तरह से P3 पर क्या क्लेम करोगे, ओरिजिन के साइड में है या अपोजिट साइड में है, P3 ओरिजिन के साइड में है या अपोजिट साइड में है, ओरिजिन के साइड पर है ना, ओरिजिन साइड में है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कभी अगर पॉइंट लाइन पर आ जाए तब क्या साइन होगा, लाइन पर का पॉइंट क्या साइन देगा, जरा खुद समझो। ये लोकस है, लोकस को सेटिस्फाई कर जाएगा लाइन का पॉइंट, तो आपको जीरो देगा ना, जीरो को थोड़े ना हम साइन में कंसीडर करेंगे, जीरो को हम किसी साइन में कंसीडर नहीं करेंगे, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव में कंसीडर करते। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नंबर नॉर निगेटिव नंबर, जीरो एक अलग आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम निगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे ही आपका जीरो वगैरह आना शुरू हो जाएगा, समझ जाना कि पॉइंट कहाँ पर है, लाइन पर चला गया है। समझ में आई बात सर्वेश? यस सर। वेरी गुड। तो इस तरीके से पॉइंट को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे ना कि ओरिजिन नीचे है ना, तो मैं नीचे ऊपर की बात तभी करूंगा जब मैं एब्सोल्यूट उसका पोजीशनिंग देख लूंगा। अगर मैं पोजीशनिंग लाइन का नहीं देख पाऊंगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि नीचे है या ऊपर है, क्लियर। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉइंट इस लाइन के निचले हिस्से में लाई कर रहा हो, कौन कौन सा पॉइंट है, तो आप लाइन को प्लॉट करेंगे और एक सिंपल सा पॉइंट चेक कर लेंगे जो इसके नीचे है, या एक सिंपल सा पॉइंट चेक कर लेंगे जो इसके ऊपर है। सो दो ही केस होगा जनरली, या तो ओरिजिन इसके नीचे होगा या ऊपर होगा। कुछ केस में हो सकता है कि लाइन ओरिजिन से पास कर रहा हो, तब रेफरेंस ओरिजिन को नहीं ले सकते, उस समय मुझे दूसरे पॉइंट को रेफरेंस लेना पड़ेगा। सो आप रेफरेंस लेना सिर्फ सीख लो, है ना। मान ली जाए कि हमारा लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इस केस में हम किसको रेफरेंस ले सकते हैं, एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट को रेफरेंस बना सकते हैं, है ना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो हमें पता चल जाएगा ऊपर और नीचे, ये सब सारा काम कर सकते हैं हम लोग, बराबर।
तो ये था आपका पॉइंट का किसी लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन। आपसे डेफिनेटली ये सब पूछा जाता है कि ये कौन कौन सा पॉइंट जो है सेम रीजन में लाई कर रहा है, या ऑड वन ऑट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि पॉइंट जो है लाइन के एक साइड होगा या दूसरे साइड होगा, यहां पे कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट हमको लाइन पर ही दिया जाएगा और लाइन पर ही के ही दूसरे पॉइंट को हम लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है, लाइन पर के दूसरे पॉइंट को हम लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ए पॉइंट मेरा गिवन पॉइंट है और लाइन पर मैं लाइन की जो एंगल थीटा है वो एक्स एक्सिस के साथ इसका मेजर्ड एंगल है, सो लाइन की स्लोप बेसिकली टेन थीटा है। तो लाइन पर एक और पॉइंट हम ले रहे हैं पी का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए वो कितना है, आर है, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पर पॉइंट अगर हम लिखना चाहें, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, तो हम क्या लिख सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको दो डायग्राम बताया गया है कि आपको आर डिस्टेंस पर अगर पॉइंट लिखना है तो आप क्या लिखोगे, उस पॉइंट को क्या कंसीडर करोगे, एक्स नॉट प्लस आर कॉस थीटा कॉमा वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा। सो सी चेंज इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन। आप यहाँ पे एपी डिस्टेंस कितना ले रहे हो, आर ले रहे हो, सो आपका कुछ इस तरह का ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये डिस्टेंस आपका आर है, ये आपका थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा होता है। सो एक्स में कितना चेंज हुआ, आर कॉस थीटा चेंज हुआ। वाई में कितना चेंज हुआ मेरा, आर साइन थीटा चेंज हुआ। सो वी आर जस्ट एडिंग द चेंज, ये आपका चेंज हो गया है ना, ये एक्स डायरेक्शन में चेंज और ये वाई डायरेक्शन में चेंज। अब बोलोगे कि सर अगर हम नीचे जाते हैं तब चेंज कैसा होगा, तो अगर हम एब्सोल्यूट डिस्टेंस अगर लिखते हैं, ठीक है, तो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स में भी नेगेटिव चेंज हो रहा है, वाई में भी नेगेटिव चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम पैरामेट्रिक डिस्टेंस लिखते हैं आर, तो यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आर जो है मेरा वो पैरामेट्रिक डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे नोट कर लेना अच्छे से, नोट पैरामेट्रिक में वर्ड बोल रहा हूं, आर इज एल्जेब्रिक डिस्टेंस, माई मिस्टेक, आर जो है आपका एल्जेब्रिक डिस्टेंस माना जाएगा, एल्जेब्रिक डिस्टेंस है। एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे अगर आर का वैल्यू आपको माइनस टू लिया जाएगा, ठीक है, और एक उसी जगह पे आर का वैल्यू टू लेना है, तो एक अगर अपवर्ड बता रहा है तो दूसरा क्या बताएगा, डाउनवर्ड पॉइंट। अगर दूसरा वाला डाउनवर्ड बता रहा है तो पहला वाला क्या बताएगा, अपवर्ड पॉइंट बताएगा। सो दिस विल डिपेंड ऑन अपवर्ड डाउनवर्ड जो है किस बात पर डिपेंड करेगा, इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि थीटा आप क्या ले रहे हो, है ना, थीटा आपका कैसा वैल्यू लिया जा रहा है। साइन थीटा जहां पर पॉजिटिव है, देखो ध्यान से अच्छे से सुनो, जहां पे साइन थीटा पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव आप ले रहे हो, तो यहाँ पे वाई में पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। सो हम ये बोलेंगे कि अगर आर साइन थीटा पॉजिटिव है तो पॉइंट मुझे क्या मिलेगा, अपवर्ड मिलेगा, पॉइंट इज अपवर्ड रिलेटिवली, ऐसा बोल सकता हूं। और अगर r sin थीटा नेगेटिव मिला तो मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट रिलेटिवली डाउनवर्ड है, पॉइंट इज रिलेटिवली डाउनवर्ड। ये बात समझ में आ रही है कि r sin थीटा अगर आपका पॉजिटिव है तो पॉइंट अपवर्ड मिलेगा और r sin थीटा अगर नेगेटिव है तो पॉइंट डाउनवर्ड मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक एग्जांपल लेंगे और समझने की कोशिश करते हैं।
बहुत अच्छा ये तरीका होता है r cos थीटा और r sin थीटा का, ये पूरे मैथमेटिक्स में भी चलता फिरता रहता है, खास करके कोऑर्डिनेट में। देखिए, फाइंड अ पॉइंट एट डिस्टेंस फाइव यूनिट ऑन द लाइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो फ्रॉम जीरो कॉमा टू। तो ये क्वेश्चन किस तरह से बात कर रहा है उस पर हम लोग चलते हैं। हम लोग को ये कह रहा ना कि आपके पास एक लाइन है और इस लाइन पर एक पॉइंट है जीरो कॉमा टू, सी दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग। सो यहां पे जीरो कॉमा टू मेरे पास एक पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है। तो पांच यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट फाइंड करना है इस लाइन पर, इसी लाइन पर वो पॉइंट हो लेकिन कितने डिस्टेंस पर हो, पांच यूनिट डिस्टेंस पर हो। तो वो पॉइंट हो सकता है, देखो मैं लाइन का प्लॉटिंग गड़बड़ किया हूं, लाइन की स्लोप कैसी है, निगेटिव है ना। सो बेसिकली मुझे ऐसा नहीं बनाना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। स्लोप अगर आपका निगेटिव है तो लाइन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बराबर। तो अब यहां पे आप ये देख सकते हो कि हो सकता है पॉइंट ए के ऊपर हो सकता है पॉइंट ए के नीचे हो पांच यूनिट डिस्टेंस पर। हम लोग को वो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना होगा, क्योंकि ये बताया नहीं है कि इसके ऊपर या नीचे। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होता तो ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट उसमें अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे काम करना है, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग को थीटा चाहिए, और थीटा किससे रिलेटेड था, स्लोप से रिलेटेड था। तो हियर फ्रॉम द लाइन वी कैन सी दैट टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर, टेन थीटा की वैल्यू माइनस थ्री बाई फोर है, बराबर। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल सकती है, कोई बता सकता है? अगर टेन थीटा माइनस थ्री बाई फोर है तो साइन थीटा मिल सकती है माइनस थ्री बाई फाइव। इज दिस द ओनली वैल्यू विच इज पॉसिबल? यस, वेरी गुड आर्यन। प्लस माइनस, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। जो ट्रिगोनोमेट्री जानता है उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज है, राइट? या तो वो प्लस में ले सकता है या फिर वो माइनस में ले सकता है। लेकिन रिमेंबर आवर फार्मूला इन्वॉल्व्स बोथ साइन एंड कॉस। सो एट द मोमेंट व्हेन यू टेक साइन थीटा इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हैज टू बी टेकन इक्वल टू फोर बाई फाइव, है ना। और जब आप साइन थीटा की वैल्यू थ्री बाई फाइव लेते हो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, माइनस फोर बाई फाइव। सो इट्स अप टू यू विच ऑफ द पेयर यू वॉन्ट टू यूज इन द फॉर्मूला। तब मेरे पास क्या है, कोई एक पेयर यूज करना है, इधर आप इस पेयर को यूज कर सकते हो सेकंड पेयर को, या फिर आप फर्स्ट पेयर को यूज कर सकते हो, दोनों को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी एक को यूज करना चाहिए। अब अगर किसी एक को यूज हम करेंगे तब कैसे काम होगा। सो मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस पेयर को यूज कर रहा हूं, कॉस थीटा की जगह पर फोर बाई फाइव लूंगा मैं, और साइन थीटा की जगह पर माइनस थ्री बाई फाइव लूंगा।
सो मेरे पास पॉइंट जो है अपवर्ड पॉइंट अगर लिखना है, अगर मुझे अपवर्ड पॉइंट लिखना है ठीक है, तो पी का कोऑर्डिनेट मैं क्या लिखूंगा, पी का कोऑर्डिनेट मैं क्या लिखूंगा और कैसे मैं इस कोऑर्डिनेट पर पहुंचूंगा। तो देखिए ऊपर में थ्योरी क्या बताया गया है, अगर आपका r इंटू साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो तो पॉइंट क्या मिलेगा, अपवर्ड मिलेगा। सो साइन थीटा तो मैं निगेटिव ले रहा हूं, इसका मतलब r निगेटिव लेना पड़ेगा तब मैं अपवर्ड पहुंचूंगा। सो बेसिकली p के लिए मेरा r क्या हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा, और r माइनस फाइव होगा साइन तो मैं ये बोल रहा था, फिर से सुन लो, हो सकता है मिस हो गया होगा आवाज। हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब r sin थीटा की वैल्यू, ये प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव होता है तब पॉइंट मुझे क्या मिलता है, अपवर्ड मिलता है ना। सो मैं इसी बात को लेते हुए मैं p जो कि एक रिलेटिवली अपवर्ड है अलोंग द लाइन, सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि r का वैल्यू निगेटिव लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं साइन थीटा क्या यूज करना चाह रहा हूँ, माइनस थ्री बाई फाइव यूज करना चाह रहा हूँ। सो r साइन थीटा पॉजिटिव बनाने के लिए r निगेटिव लेना पड़ेगा। सो सी हम निगेटिव r ले करके हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही r लेना होगा, निगेटिव भी लिया जा सकता है ठीक है। सो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, जीरो, x कोऑर्डिनेट जीरो है, हम लिखेंगे जीरो प्लस आर की वैल्यू माइनस फाइव है और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, आवाज आ रही है? यस सर, वेरी गुड। सो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टू प्लस आर की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री बाई फाइव ले सकते हैं, है ना। तो ये मेरा P का कोऑर्डिनेट मिल गया है, ये P का कोऑर्डिनेट मिल गया है। इसी तरीके से जो पॉइंट मेरा Q है वो लोअर रीजन में है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा मैं, अब Q के लिए R को हम लोग चेंज कर लेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव कर लेंगे, लिखेंगे जीरो प्लस फाइव इंटू फोर बाई फाइव और टू प्लस फाइव इंटू माइनस थ्री बाई फाइव। बात समझ में आई? तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट को हम लोग लाइन पर लिख सकते हैं इस पैरामीटर के टर्म में, कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म में। सो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूं जो कॉन्सेप्ट बताया गया है। एक लाइन पर अगर कोई पॉइंट हमें दिया हुआ है तो दूसरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स नॉट प्लस आर कॉस थीटा लिखते हैं और वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा लिखते हैं, जहां पर थीटा जो है वो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन है, थीटा क्या है, लाइन का इंक्लिनेशन है, और आर क्या है, मेरा एल्जेब्रिक डिस्टेंस है, मतलब एक साइड अगर जाने पर आर पॉजिटिव लेना है तो दूसरी साइड जाने पर आर क्या लेना है, निगेटिव लेना है ठीक है। और हम अगर देखें आर साइन थीटा आपका पॉजिटिव हो जाता है तो पॉइंट क्या मिलेगा, अपवर्ड मिलता है, और आर साइन थीटा अगर निगेटिव लेंगे तो पॉइंट क्या मिलेगा, डाउनवर्ड मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर r cos थीटा आपका पॉजिटिव मिलता है तो पॉइंट क्या मिल जाएगा, राइटवर्ड, ठीक है, राइटवर्ड, मतलब इसके रेस्पेक्ट में वो राइट में जाएगा, और r cos थीटा अगर आपका नेगेटिव आता है तो पॉइंट कहां मिल जाएगा, आपको लेफ्ट में मिल जाएगा। तो हमें क्या करना था, एक लाइन पर एक पॉइंट दिया हुआ था और इससे 5 यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट फाइंड करनी थी, तो हमने बोला कि ये लाइन का स्लोप तो नेगेटिव है, सो पॉइंट ऊपर भी एग्जिस्ट करेगा नीचे भी एग्जिस्ट करेगा, और ऊपर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले थीटा डिसाइड करना पड़ेगा। सो टेन थीटा माइनस में है, सो साइन थीटा कॉस थीटा अगर वैल्यू देखे ना तो पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें से किसी एक पेयर को सेलेक्ट कर लेना है।
आप साइन थीटा के साथ कॉस थीटा भी निगेटिव नहीं ले सकते हो, निगेटिव साइन थीटा के साथ कॉस थीटा निगेटिव नहीं ले सकते, क्यों? अगर दोनों निगेटिव होगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएगा, इसलिए जब लेना है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू को लेना है, बराबर। और इस तरीके से फार्मूला यूज कर देना है। अब इसी का यूज हम यहां पे करेंगे, एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ किसी भी पॉइंट का लाइन से कैसे मिलेगा। इस डेरिएशन को देखते ही हम लोग को कॉन्सेप्ट पर और थोड़ा सा भरोसा बढ़ जाएगा, ये वेरी वेरी बेटर कॉन्सेप्ट है, समझ गया? यस सर। देखिए हम लोग को फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है बेसिकली, या हम ये बोल रहे हैं देखो क्या करना है, अल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, मतलब एक पॉइंट मेरा पी गिवन है, ठीक है, ये मेरा गिवन पॉइंट है, और इस पॉइंट से हमारा ना इस लाइन का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना। वैसे कोई जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर किया जाए, बट मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं, ठीक है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं, तो मैं जैसे ही लाइन पे पहुंचूंगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो लाइन पर का कोई ना कोई पॉइंट तो हमको मिल ही जाएगा, एक्स कॉमा वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्स जो होगा वो एक्स नॉट प्लस आर कॉस थीटा के फॉर्मेट का होगा, और वाई जो होगा क्यू का वो क्या हो जाएगा, वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा के फॉर्मेट का होगा। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि लाइन पर का जो भी पॉइंट होगा, चूंकि पी से वो आर डिस्टेंस पर है, आर एल्जेब्रिक डिस्टेंस पर है, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, एक्स नॉट प्लस आर कॉस थीटा ले सकते हैं और वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा ले सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब हम लोग को आर फाइंड करना है, तो आर फाइंड करने के लिए हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी ना, आर फाइंड करने के लिए थीटा की जरूरत पड़ेगी। सो वेयर डू वी गेट थीटा, थीटा है क्या, थीटा जिस लाइन के अलोंग आप मूवमेंट कर रहे हैं, जिस लाइन के अलोंग आप मूवमेंट कर रहे हैं उसी लाइन का स्लोप से रिलेटेड है थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ PQ, बोल सकता हूं ना मैं, बट PQ क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, लाइन के, AX प्लस BY प्लस C के परपेंडिकुलर है। सो tan थीटा की वैल्यू बता सकते हो तुम लोग, tan थीटा टाइम्स माइनस ए बाई बी मस्ट बी इक्वल टू माइनस वन। व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज द स्लोप ऑफ PQ, व्हाट इज माइनस ए बाई बी, स्लोप ऑफ गिवन लाइन मस्ट बी इन प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस वन। सो यहां से हम लोग को tan थीटा जो मिल गया है वो b बाई ए के इक्वल मिल गया है, tan थीटा क्या मिल गया, b बाई ए के इक्वल मिल गया है। अब जैसे ही आपको tan थीटा माइनस b बाई ए के इक्वल मिल गया है, आप sin थीटा और cos थीटा का पेयर जनरेट कर सकते हैं। So, यहां से हम लोग साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, जब साइन थीटा बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो उस समय कॉस थीटा क्या होगा, ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा तो मिल गया है, अब हमको करस्पॉन्डिंग आर मिल जाएगा, जो भी वैल्यू आ जाए आर का, ठीक है। सो नाउ हम ये बोल रहे हैं कि ये पॉइंट जो है लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो सेटिस्फाइंग इनटू लाइन इक्वेशन ए टाइम्स एक्स नॉट प्लस आर कॉस थीटा, मैं अभी थीटा के फॉर्म में ही रखता हूं, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मैं थीटा की वैल्यू प्लेस कर दूंगा, साइन थीटा
इक्वल टू कितना? अच्छा प्लस सी छूट गया है, प्लस सी, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? आर को फाइंड करने की कोशिश करो, आर को फाइंड करो, सो आर विल बी इक्वल टू माइनस ए एक्स नॉट बी वाई नॉट सी होल डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ऐसा मैं लिख सकता हूं. नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, सो यू विल गेट आर इक्वल टू माइनस ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू क्या, देखो तो ए बाई रूट ओवर, तो हम लोग को मिल जाएगा यहां पर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद आर हम लोग को बहुत ही अच्छा डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है. सो एलजेब्रिक डिस्टेंस आर इज इक्वल टू निगेटिव ए एक्स नॉट बी वाई नॉट प्लस से होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, यही आपका किसी भी पॉइंट का एलजेब्रिक डिस्टेंस हो गया. एलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. तो एब्सोल्यूट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मॉडुलस यूज कर देंगे. ठीक है, फॉर एब्सोल्यूट डिस्टेंस हम लोग क्या यूज करेंगे? मॉडुलस यूज करेंगे. तो अब देखो यहां पे क्या कह रहा है नेक्स्ट केस में कि क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा आपको. तो आप थोड़ी सी एफर्ट अगर लगाओगे तो आप इस रिलेशन तक पहुंच सकते हैं. कैसे मैं बता रहा हूं, आर का वैल्यू आपके पास है ना, बिल्कुल ये भी काम कर सकते हो शांतनु, लेकिन दो से चार सवाल तुम्हारे पास आ गया ना ऐसा, तो उसके बाद वो काम करना छोड़ दोगे, लेकिन वो बेसिक तरीका है. समझ गए? हाँ निखिल तुम भी बोलो. सर अगर हम पी को जॉइन कर देंगे मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म होगा तो वैसे फाइंड कर सकते हैं ना क्यू को. पी को क्या कर देंगे हम लोग? अगर हम जॉइन करते हैं उस लाइन को तो क्यू फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि आर पता है हमको. आर पता है हमें, बिल्कुल क्यू फाइंड कर सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशन तक आप लोग पहुंच सकते हो. बिल्कुल एकदम सही सोचे हो तुम, क्योंकि आर तो हमें पता है ना, और साइन थीटा कॉस थीटा क्या लेना वो भी पता है. तो जस्ट यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा केवल समझ लो, इस रिलेशन तक आप लोग पहुंच जाओगे. x इक्वल टू हमने क्या लिखा था, x नॉट प्लस r cos थीटा. ठीक है, और y इक्वल टू हमने लिखा था y नॉट प्लस r sin थीटा. तो मैं क्या यहां पे देख रहा हूं कि x माइनस x नॉट अपॉन cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू y माइनस y नॉट अपॉन sin थीटा और मस्ट बी इक्वल टू r. इसी रिलेशन को यूज करके आप यहां पे पहुंच सकते हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर. ठीक है, बात समझ में आई? यही चीज बोल रहे थे निखिल? यस सर. वेरी गुड. दूसरी, आप इसी डेरिवेशन में थोड़ा सा दो कदम और आगे बढ़ जाओगे तो आप इमेज पे पहुंच जाओगे. इस बार मैं क्यू को क्या लिया हूं, इमेज ऑफ पी लिया हूं इन द लाइन. इमेज का मतलब होता है कि आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते जाओ और जितनी दूरी पर लाइन आपसे है उतनी और दूरी चले जाओ, मतलब इसको प्लेन मिरर मान लेना है. लाइन को कैसा मान लेना है? प्लेन मिरर मान लेना है.
जो भी पॉइंट आपको इमेज मिलता है प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन के नियम के कानून के हिसाब से, है ना, तो उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हम लोग को, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन से दिया जाता है। सो ट्राई टू डिराइव दिस टू इक्वेशंस जिसमें आपको इमेज ऑफ पॉइंट मिलता है। और सेम तरीके से एक और चीज है जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मेरे पास दो लाइंस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है मॉडुलस सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये तीन डेरिवेशन आप लोग घर से ट्राई करके लाओ बराबर। और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंगल बाइसेक्टर शॉर्टली डिस्कस करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस इस चीज को डिस्कस करेंगे, और दूसरा पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये नेक्स्ट क्लास में होगा आपका, और आज के क्लास में इतना ही है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का 7:15 से क्लास भी है, और ये मेरी गलती है जो मैं 10 मिनट लेट हो गया हूं, तो मैं आपका 10 मिनट नहीं खाऊंगा। तो आप लोग ये डेरिवेशन कर लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन भी जो है 1A एक्सरसाइज का आप अटेम्प्ट करके देखो जिसमें आपका ये सब फार्मूला वगैरह यूज हो रहा हो। ओके, आप एक बार फार्मूला यूज करके देखो और एक बार अपने मेथड से ट्राई करके देखो एंड सी कि किस केस में आपका समय जो है कम लगने की उम्मीद है। जिसमें आपको समय कम लगेगा वही काम करिएगा, ये सब जस्ट एक टूल है। अगर टूल में कंफर्टेबल आप नहीं हो तो जरूरी नहीं है टूल यूज करना। समझ गए? तो आज के लिए यस इतना ही हैव ए नाइस डे, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।